साथियों, अभी वर्षा ऋतु शुरू हो गई है। अभी सब तरफ वृक्षारोपण के कार्यक्रम बहुत अच्छी तरह से लोग शुरू करते हैं, लेकिन हर साल हम देखते हैं कि इतने सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं तो भी वृक्षों की कमी हम देखते हैं। ये क्यों होता है? तो जो भी पौधे हम इतने करोड़ों की संख्या में लगाते हैं उसमें से बहुत कम बच पाते हैं। इसका जो कारण है वो कारण ये है कि हम वैज्ञानिक तरीके से उसको लगाते नहीं हैं। तो अभी हम यहाँ ये देखेंगे कि वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण कैसा करना चाहिए। तो ये जो तरीका है तो ये गड्ढा खोदने से शुरू हो जाता है। हमारी जो धारणा है कि बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदना पड़ते हैं, तो ये धारणा ठीक नहीं है। पौधा बढ़ने के लिए बहुत छोटा गड्ढा करना पड़ता है, उसका प्रत्यक्ष रूप में हम यहाँ देखेंगे। अभी यहाँ हम गड्ढा खोद रहे हैं, तो ये गड्ढा जो दिख रहा है आपको, तो ये पहले जो खोदा है, थोड़ा 6 इंच गहरा खोदा है हमने, उसके ऊपर की परत की मिट्टी बाजू में डाल रखी है हमने। उसके नीचे का जो परत है वो पथरीला या मुरूम जिसको कहते हैं हम, वो पत्थर का है, उसको हम अलग डालेंगे। इसको निकालो, अभी अलग डालो, इस पर नहीं डालना है उसको। गड्ढा खोदते हुए ये देखना है हमें, उसकी लंबाई चौड़ाई से कोई मतलब नहीं है, हमें गहराई चाहिए केवल। तो देखो, ये लंबाई चौड़ाई केवल 6 इंच 9 इंच तक है, गहराई हम थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, बस उतना ही लेना है। हम लंबाई चौड़ाई बेकार की मेहनत करके बहुत बड़ा के रखते हैं, तो वैसा नहीं होना, जरूरी नहीं है उसकी। बस इतना गड्ढा, जितना हमारा पौधा है उतने ही साइज़ का गड्ढा बनाना है हमें। हमारा पौधा कहाँ रखा है अभी, ये जितना उसका बैग है पौधे का, उतने ही साइज़ का गड्ढा हमने खोद लिया है। निकल, ये पौधे को लगाने के पहले ये जो गड्ढा हमने किया है उसके साथ में भी कुछ कार्यक्रम हमें करना है। तो वो क्या करना है, तो पहले हम उसमें गोबर पानी का घोल बना के डालेंगे। गोबर पानी का जो घोल होता है, तो इसमें गोबर का जो प्रयोग करते हैं हम, वो हो सके उतना गाय या बैल का लेने का प्रयत्न करें। अभी ये जो इतना गोबर है, तो ये इतना बकेट भर पानी के लिए इतना गोबर बहुत हो गया है, इससे ज़्यादा गोबर की ज़रूरत नहीं है हमें। अभी जो गोबर का घोल बना है, ये गोबर का घोल ये गड्ढे में हमें छिड़कना है, जोर से ऐसा मारना है इसको, सिंपल, इतना नहीं, इतना ही, थोड़ा थोड़ा मारना है, चिपकना चाहिए। अभी ऐसा जोर से मारना है इसको, क्योंकि ये चिपकना चाहिए, पांचों साइड को चिपकना चाहिए, 5 साइड यानी 4 ये और नीचे वाला, बस। सर, ये एक बिलस भर ही गड्ढा करना है? हाँ बिल्कुल, गड्ढा बड़ा करने की कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि जड़ को जो बढ़ना है वो अपने ताकत के भरोसे अभी से बढ़ाना है उसको हमें। तो इसलिए ज़्यादा बड़ा गड्ढा करोगे तो हमें रूट को तैयार मटेरियल देंगे, तो वैसा नहीं करना है। जड़ को हमने उसके खुद के ताकत के बलबूते पर बढ़ने देना है, इसलिए बड़ा गड्ढा हम कभी नहीं करेंगे। अभी ये जो गड्ढा हमने छोटा सा बनाया है, उसमें गड्ढे के बाद पहले किया है हमने, ऊपर की मिट्टी बाजू में डाली है, ऊपर के परत की, उसके नीचे के परत की मिट्टी बाजू में रखी है। उसके बाद हमने गोबर पानी का घोल का छिड़काव किया है, वो थोड़ा तीव्रता से किया है। इसके पीछे का कारण वो उस गड्ढे के अंदर की जो दीवारें हैं उसको अच्छी तरह से चिपकना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति है, वो वनस्पति ऐसे एक में मिलाकर इसका ऐसा एक सख्त बॉल बनाना है हमें। ये बॉल जो है ये अलग अलग एक प्रकार, हो सके उतना एक प्रकार का नहीं करना है, अलग अलग प्रकार का लेना है। तो अभी पंकज सर, इसको इसमें नीचे बिठा दीजिए, दबा के ठोस ठोस के बिठाए, ठोस दो उसको। हाँ, ये हाँ ठीक है। अभी इसके बाद जो ऊपर के परत की मिट्टी है, ये मिट्टी उसके ऊपर डालना है आपको थोड़ी। हाँ, अभी उसको दबा दो, फिर से दबाओ, फिर से और देखो।
हाँ, इसको चाहे तो ऐसे कुछ इस साधन का उपयोग करके उसको नीचे नीचे वाले पार्ट को आपको सख्त करना है दबा दबा के। हाँ बस अभी इसको रख दो बाजू में रख दो, थोड़ा सा गोबर पानी डाल दो उसके ऊपर। हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ बस बस हो गए। ये अभी इसका रहने का मकान तैयार हो गया है। ये पौधा जो यहाँ हम लगाने जा रहे हैं वो पौधे का लगाने का जो उसको चाहिए उस प्रकार का मकान अभी हमने तैयार करके दिया है उसको। अभी उसको वहाँ रोपण करना है हमें। पौधा जो लेते हैं लोग तो पौधा हो सके उतना ऐसे कम उम्र वाला लेना है आपको। बड़े बड़े जो लाते हैं वो वनस्पति शास्त्र के अनुसार तरीका योग्य नहीं है, वैसे पौधे ज़्यादातर मर जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए हो सके, क्योंकि छोटे बच्चे कहीं पे भी एडजस्ट हो जाते हैं, बड़े बूढ़े कहीं पे नहीं एडजस्ट होते हैं, वही यहाँ पे भी हो जाता है। इसलिए हम ऐसा छोटा पौधा उसमें लगाएंगे, जहाँ पे भी लगाएंगे वहाँ पे। ये पौधे के बारे में जानकारी होगी। बाद में इसको कैसा रोपण किया जाता है तो इसका जो बैग है, पहले ये बैग को पूरा फाड़ देना है आपको। फाड़ते समय ऐसे आड़ी बैग रख के, खड़ी रख के नहीं करना है आपको। और ये अभी यहाँ जंगल में हमारे पास में कुछ साधन की कमी है इसलिए ब्लेड वगैरह नहीं है, तो हम हाथ से ही इसको फाड़ देंगे। ये जो रेशा होती है थैली के ऊपर, वो रेशा से अगर फाड़ देंगे तो वो नीचे तक जाती है। ये अभी शरीफा का पौधा है जिसे हम महाराष्ट्र में सीताफल कहते हैं, तो ये इसका रोपण हम करने जा रहे हैं। बस अभी जो नीचे रखा था उसके ऊपर रख देना है। इसके बाद जो बची हुई मिट्टी है, ये इसको पहले ढकेल दो अंदर, जो ऊपर वाली परत की जो बची हुई मिट्टी है उसको चारों साइड से ढकेल दो। हाँ अब बात जो नीचे की परत की मिट्टी है, अब वो उसको ढके अंदर डाल दो पूरा। फावड़ा ले लो अभी। अभी इसको फावड़े से खींचो मिट्टी उसके पास में। इसका जो तना होता है पौधे का, वहाँ पे इसको मिट्टी चढ़ाना है, यहाँ नाली बनाना है आपको। अभी इसको दबाने का एक तरीका होता है, ये दोनों साइड से एकदम पैर रखना है, ये एक पैर रख के नहीं दबाना है, दोनों साइड से इसको प्रदक्षिणा करना है। ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद में यहाँ की मिट्टी दबी नहीं है तो उसके लिए भी तरीका होता है, ये दो उंगल के बीच में ये पेड़ को पकड़ना है आपको, पकड़ना है नहीं उसको रखना है, पकड़ना नहीं है, और फिर ऐसा दबाना है। ये पौधे को उसका धक्का नहीं लगना चाहिए। ये एक स्टेप हो गई है। अभी इसके बाद में ये हमेशा लोग गलती करते हैं, लोग जो यहाँ ये जो हमने ये बनाई है क्यारी जैसा, ये बसी के जैसा बनाते हैं, ये कप बसी जैसा बनाना है आपको। ऐसा बनाएंगे तो बारिश में पूरा पानी यहाँ भर जाता है, फिर ये तालाब में पेड़ लगाए जैसा होता है, उससे वो पेड़ सड़ने की गलने की संभावना होती है। इसलिए ये मिट्टी यहाँ ऊपर चढ़े तो यहाँ पे पानी जमा हो जाएगा, इसको पानी नहीं लगेगा, तने को पानी नहीं लगना चाहिए, ये जो नीचे तना दिख रहा है तो यहाँ पानी नहीं जाएगा, ये ऊपर है इसलिए। तो हमेशा ये ध्यान में रखना है, कभी भी जब रोपण करते हैं पौधों का तो उसमें पौधा ऊपर होना चाहिए, ये गड्ढा नीचे होना चाहिए, इसको पानी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। तेंतीस उपटता है मन ध्यान रखने। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारी मेरी ही एक पहली ऐसी ये थी कि हम गड्ढा बिल्कुल बड़ा करते थे, उसमें बाहर से माटी लाके डालते थे और गोबर वगैरह जो है वो बाद में हम इस्तेमाल करते थे। अभी आपने जो दिखाया है यहाँ, हमने गोबर तो पहले ही उसमें डाला है, गोबर का पानी, तो उसके पीछे क्या राज है, मतलब क्या करने की ज़रूरत है? आपने जो पूछा है कि गड्ढा इतना छोटा क्यों बना है, मैंने इसका स्पष्टीकरण शुरू में किया है वैसे कि अगर पहले ही गड्ढा हम रेडीमेड करके रखते हैं
तो प्रकृति ने जड़ को जो शक्ति दिया है वो शक्ति का वो काम नहीं करती है, और फिर वो शक्ति का काम नहीं करने के कारण अगर हमने 3x3 का गड्ढा बना दिया प्रचलित पद्धति में जो बताया जाता है आमतौर पर, तो वो जड़ें क्या करती है, हमें जड़ को नीचे डाल जाने के लिए बाध्य करना है। लेकिन ये जड़ें क्या करती है, आपने आजू बाजू में पूरा पोला करके रखा है, पूरा मिट्टी डाल के एकदम 5-स्टार फैसिलिटी जिसको कहते हैं हम, ऐसा करके रखा है, तो ये जड़ क्या करती है, नीचे जाने के बजाय वो गड्ढे में ही घूमते रहती है, क्योंकि आजू बाजू में जड़ भी आखिर जीव है और हर जीव अपना लग्जरी देखता है, तो उसको कष्ट नहीं करना है तो वो क्या करता है, आजू बाजू में ही घूमता है। तो इसका परिणाम क्या होता है कि जिसको हम अंग्रेजी में टेक्निकल भाषा में करते हैं वो जड़ का क्वाइलिंग होता है, गोल गोल घूमते, जैसे हम गड्ढे में, बड़े गड्ढे में पौधा लगाना और गमले में पौधा लगाना एक जैसा होता है, आप गमले का पौधा निकाल के देखेंगे तो पूरा गोल गोल जड़े घूमी हुई दिखती है, वही यहाँ बड़ा गड्ढा कर किया तो होता है। अभी क्या होने वाला है, ये जड़ को जैसे ही आगे जाएगी तुरंत हार आएगा, उसको अपनी ताकत से ही आगे जाना है, क्योंकि अन्न पानी उसको लेना है उसमें से, तो इसलिए ये गड्ढा हम छोटा रखते हैं। ये एक हो गया। दूसरा, और इसका परिणाम भी देखिए, आप अगर रोड साइड में जो रास्ते के किनारे जो हमेशा वृक्षारोपण किया जाता है, तो जब हवा तूफान चलती है तब देखिए रोड साइड के ही पेड़ ज़्यादातर गिरते हैं, जंगलों में ज़्यादा गिरते नहीं, क्योंकि वो हमने 3x3 के गड्ढे बना के लगे हुए रहते, तो वो जड़ उसकी विकसित हुई नहीं है, नीचे गई नहीं है, इसलिए जरा सी हवा आ जाती है उल्टे हो जाते हैं। जंगलों में वो अपने बलबूते पे जड़ नीचे जाती है तो वो पक्की सख्त बनती है, इसलिए वो पेड़ गिरता नहीं है, तो वो भी एक गड्ढा बड़ा करने का कारण उसके पीछे होता है, हम बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, हम इतना सारा खाद डालते हैं उसमें, तो हमने क्या किया, हमने खाद नहीं डाला है, हमने गोबर पानी का घोल डाला है, वो क्यों डाला है, उसके पीछे का कारण ये है कि ये जो यहाँ जितना भी जिसको हम विज्ञान की भाषा में बायोमास कहते हैं, जैव भार जिसको कहते हैं, ये जो खरपतवार उगी हुई है, ये खरपतवार पशु खाते हैं और उसको खाद में परिवर्तन करने का काम करते हैं। वो पशु खाते हैं यानी क्या होता है, उसके जब आत में जाता है जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं, तो उसमें जो गाय के शरीर में जो जीवाणु है वो उसको खाकर गोबर में और बाकी उसके काम की चीज़ जो है वो गाय के शरीर को मिलती है, तो इसको खाने वाले जो जीव जंतु है वो गाय के आत में है, वो गोबर के साथ में बाहर आ जाते हैं, और अगर वो जीवाणु हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ का खरपतवार को गोबर के इसमें कन्वर्ट करने का, बदलने का काम वो जीवाणु करते हैं। तो ये थोड़ा सा हम इसलिए डाल रहे कि ये जामुन के जैसा काम करेगा, जिसको हम मराठी में विरजन बोलते हैं, तो ये इसलिए वो थोड़ा सा वहाँ डाल देते हैं तो वो जामुन के जैसा काम करेगा, अपने आप उसका विकास होते जाएगा, इसके जीवाणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि उसको खाने को मिल ही रहा है इतना सारा, और फिर अपने आप ये पूरा जहाँ यहाँ जो बायोमास जिसको हम खरपतवार बोलते हैं, जो हमारे लिए सिरदर्द के जैसा होता है, लेकिन वही बाद में खाद में परिवर्तित करने का काम ये गोबर पानी का इतना सा घोल करता है, इसलिए घोल उतना डाला है, खाद की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खाद तो अभी इसको जरूरत ही नहीं है, पौधे को, पौधा जमीन से ज़्यादा कुछ लेता ही नहीं है, सब हवा से लेता, ये वहाँ जो जीवाणु है उसके लिए खाद की जरूरत होती है, अब वहाँ जीवाणु ज़्यादा है ही नहीं है, इसलिए हमने डाले हैं, तो अभी तुरंत खाद की जरूरत ही नहीं है वहाँ पे, तो बाद में जब जीवाणु बढ़ जाएंगे तो वो अपना खाद, अपना भोजन खुद बना लेंगे, तो ये उसके पीछे का कारण है। पण जो खड्ड्यामध्ये खाली गोळा करून टाकला सगळ्या इथल्या वनस्पतींचा, तो कसं टाकला? आप पूछ रहे हैं कि नीचे में हमने थोड़ा सा खरपतवार का एक ऐसा बॉल जैसा बना के रखा है, तो वो क्यों रखा है? तो वो इसलिए कि मैं उसको थोड़ा मजाक में कहता हूँ कि हमारा पौधा अभी काम के लिए जा रहा है, तो उसको हम जब काम पे जाते हैं तो टिफ़िन लेके जाते हैं, तो वो पौधा भी अपना टिफ़िन लेके जा रहा है, ये क्या करेगा, हमने वहाँ जामुन के रूप में गाय के पेट के जीवाणु डाले ही हैं, वो जीवाणु उसको खाद में परिवर्तित कर देंगे और उसके साथ में बाकी भी जीवाणु बढ़ते जाएंगे, तो ये जड़ के लिए जो नीचे काम करना है खुदाई का, वो हम करने के बजाय जीवाणु कर देते हैं, तो अपने आप नीचे नीचे वो जड़ जाते जाती है, इसलिए उसके साथ में हमने वो टिफिन के जैसा वो पहले ही बना के रखा है। दूसरा उसमें एक है कि उसमें हमने सूखा और गीला दोनों भी ये बायोमास लिया है, तो आगे चल के बारिश के बाद में जब जमीन सूख जाती है तब क्या होता है कि वो जो गीला मटेरियल हमने नीचे में डाला है उसका पानी बाहर आता है, तो जड़ को पानी की भी थोड़ी बहुत
मराठी में हमारे एक बोलते हैं तहान लाडू भूख लाडू, तो वैसा वो दोनों भी काम करेगा पौधे को जब जरूरत पड़ेगी, जब सूख जाएगा बाकी एरिया, तो इतना उसके पीछे का कारण है। ये घास कौन सा भी हो सकता है, मतलब घास में जितनी विविध प्रकार के लेंगे उतना फसल के दृष्टि से अच्छा है या पौधे के दृष्टि से अच्छा है, क्योंकि हम जब पोषक तत्वों की जब बात करते हैं, अर्थात अर्ध सत्य है वो, लेकिन पोषक तत्व की जब आप बात करते हैं तो विविध प्रकार की वनस्पति अगर लेंगे तो विविध प्रकार के पोषक तत्व पत्तों में उसके आ जाएंगे, वो अपने आप खाद के रूप में वहाँ डालेंगे हम, इसलिए जितना ज़्यादा विविध प्रकार के होंगे। अच्छा, दूसरा ये कि ये भी होता है कि उसको पकने का जो बाद में पकने का काम चलता है, तो एक ही प्रकार का रहा तो वो एक ही समय पक जाता है, तो वैसा नहीं चाहिए हमें, अलग अलग समय पर उसको पकने का, तो अलग अलग प्रकार का घास फूस पत्ते लेंगे तो अलग अलग समय हो जाएगा। पत्ते लेना भी ठीक रहेगा, कुछ भी लीजिए, पत्ते भी लीजिए, लेकिन उसके साथ में जो इसका ये जो सख्त नहीं ये जो सख्त डंडी होती है ये भी ज़्यादा प्रमाण में नीचे जाना चाहिए। इसमें से आपको मोटे तौर पे अगर कहना है, जिसको मैक्रो और माइक्रो की भाषा में कहना है, सूक्ष्म तौर पे नहीं लेकिन मोटे तौर पे, इसमें से नाइट्रोजन मिलेगा, और सबसे महत्व का बात जो होती है, पौधे को कार्बन की जरूरत होती है, इसमें से आपको कार्बन मिलेगा, इसलिए सूखी लकड़ियां भी हम डालते हैं नीचे में, लकड़ी भी डाल सकते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा लकड़ी डालोगे तो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कार्बन उसमें से मिलेगा। पौधे को नाइट्रोजन तो हवा से चाहे उतना ले सकता है, लेकिन कार्बन की जरूरत होती है, इसलिए कार्बन, और इसीलिए हमारी जमीन की सब अभी जो खेती का थोड़ा सा विषयांतर हो जाता है, लेकिन आपने पूछा इसलिए कह रहा हूँ कि पूरा खेती का शास्त्र जो था वो होना चाहिए था कार्बन आधारित, लेकिन वो अभी है नाइट्रोजन आधारित नत्र के स्तर पर, तो हमें जितना ज़्यादा कार्बन हमारी जमीन में डाल सकते हैं उतना डालने की अभी जरूरत है, तो वो इसके माध्यम से डाल सकते हैं हम, जो सख्त लकड़ियाँ है उसके माध्यम से। घर में जो सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये पौधे के नीचे हमने जो एक हरा पत्ती वाला गड्ढा डाला है वो, और वो पौधा लगाने के बाद ऊपर ही मल्चिंग में जो अलग अलग प्रकार की वनस्पति की थोड़ा थोड़ा टुकड़ा डाला है, वो ये वृक्ष के पहले वही तो नहीं बढ़ना शुरू हो जाएगा? हमने, आपने देखा होगा, मैंने दो दो बार सूचना किया था कि नीचे जो मटेरियल हमने डाला है, जो खरपतवार डाली है, उसका बॉल के जैसा, सख्त बॉल के जैसा बनाया है, तो अभी वो उसमें हवा नहीं होने के कारण उसमें का कुछ भी उगेगा नहीं, क्योंकि उसको दबा दिया है हमने, इसीलिए उसको बार बार ठोस दिया है, नीचे हवा भी ज़्यादा नहीं रहने वाली है इसलिए, और ये जो जीवाणु हमने डाले हैं वो ज़्यादातर गोबर में एरोबिक होते हैं, वो नीचे में हवा नहीं है तो वो वहाँ नहीं काम करेंगे, वो बाद में जब गलने की क्रिया चालू हो जाएगी एनएरोबिक, तो उसमें वो बढ़ने का काम होगा ही नहीं, तो वो उससे डरने की कोई ये नहीं। अब ये भी जो डाला है अभी उल्टा, ये 8-15 दिन के बाद में आप आकर अगर इसको उठा के देखेंगे, इसके नीचे का पूरा खरपतवार खाद के रूप में ये आ जाएगा, वहाँ बिल्कुल ऐसी भुरभुरी मिट्टी हो जाएगी खाद के जैसी, तो उसका फायदा वो हो जाएगा। उसका दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि अभी इसके ऊपर जो बारिश आएगी तो वो बारिश का पानी जल्दी नीचे जाएगा, क्योंकि नीचे में जीवाणु, इसके जीवाणु का विशेषता यह होता है कि उसको प्रकाश नहीं चाहिए, तो इसलिए ये ऊपर की परत में जीवाणु आते नहीं। अभी क्या हो जाएगा, इसके नीचे यहाँ अंधेरा हो गया है तो यहाँ जीवाणु ऊपर की परत तक आ जाएंगे, तो उसका फायदा यह हो जाएगा कि इसके नीचे की मिट्टी पूरी भुरभुरी हो जाएगी, पोला हो जाएगी, जिसके कारण बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाएगा। यह सब एक दूसरे में अटके हुए ये है परिणाम है, केवल एक को लेकर अलग से करेंगे तो जल्दी समझ में नहीं आता है, तो इसलिए ये मल्चिंग जितना ज़्यादा चौड़ा करेंगे उतना आपका पानी का रिजर्व अंदर ज़्यादा हो जाएगा। आपने एक इसमें बात रह गई है हमारी बताने की कि इसको पानी नहीं डाला है हमने, लेकिन ये बात ध्यान में रखना है कि अभी हम वर्षा ऋतु में इसका वृक्षारोपण कर रहे हैं, इसलिए मिट्टी में ऑलरेडी ज़मीन में पानी है, इसलिए पानी नहीं डाला है, लेकिन अगर आप बारिश के बाद में करेंगे तो वहाँ गड्ढे में थोड़ा सा पानी आपको डालना पड़ेगा, या यहाँ पे भी अगर लगाने के बाद में थोड़ा सा पानी डाल देते तो डालना चाहिए, बिना पानी से नहीं होगा। अभी बारिश के दिन है इसलिए हमने पानी नहीं डाला है, केवल वैसा ही वृक्षारोपण किया है, क्योंकि मिट्टी गीली है पूरी। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो आपने पौधे के आजू बाजू में डाला है इधर का घास पौधा, वो क्यों डाला गया है? क्या होता है, हमने शुरू में देखा है, मैंने कहा आपको कि ये पौधा लगाने के बाद में इसको अभी अगले मार्च तक भी पानी हमें देना नहीं है, तो वो क्यों नहीं देना है, क्यों कमी कैसे नहीं होती है, तो क्या होता है, ये सब पौधे पेड़ सब, हम भी सब प्रकृति के बच्चे हैं,
तो प्रकृति सबका देखभाल करने का जिम्मा लेने को तैयार है, लेकिन बीच में हम अगर कुछ अपनी हरकतें करते हैं तो फिर प्रकृति आपके ऊपर छोड़ती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के तरफ जाने की कोशिश करना है। तो ये करने का उद्देश्य ये है कि प्रकृति क्या करती है, उसके ये सब बच्चों को संभालना है, तो उसको जो साल भर पानी लगने वाला है वो वर्षा के रूप में ज़मीन में भर के रखती है। जैसा हम हमारे दिन भरे के लिए गुंड भर के रखते हैं, पानी का ड्रम भर के रखते हैं, वैसा ये जमीन के रूप में जो गुंड है प्रकृति ने पानी के लिए बना के रखा है वो भर के रखती है। लेकिन हम क्या कर प्रकृति क्या करती है, अभी यहाँ जो दिख रहा है आपको, तो ये जो नीचे गुंड भर के रखा है तो उसके ऊपर ढक्कन के रूप में ये सब पेड़ पौधे प्रकृति ने उगा के रखे हैं। मैंने थोड़ी देर पहले ये भी कहा कि प्रकृति को जमीन को हमारे धरती माता को नंगा नहीं रखती है, उसके ऊपर ढक्कन रख देती है, वो ढक्कन है। अब यहाँ पेड़ पौधे लगाने के कारण हमारे इस ये सब मिट्टी के ऊपर के ढक्कन उड़ जाते हैं। तो ये ढक्कन अगर हम हमारे घर में भी अगर देखेंगे, एक आधा बर्तन पानी से भर के रखते हैं और वो धूप में बाहर वैसा ही रहता है तो अपने उसका पानी खत्म हो जाता है, भले हमने उपयोग नहीं किया तो भी खत्म हो जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पे जब सफाई कर लेते हम तो यहाँ का पानी ढक्कन निकालने के कारण उड़ जाता है, तो हम उसका वो बर्तन के ऊपर ढक्कन रखने जैसा ही काम ये डालने के कारण हो रहा है। इसके दूसरा कारण मैंने पहले ही बताया कि उसके नीचे फिर जीव सृष्टि काम करती है, उसको भी पानी मिलता है, लेकिन ये ज़्यादा है और इसलिए फिर ये पौधे को जो पानी प्रकृति ने भर के रखा था वो पूरा मिलने का यहाँ प्रबंध हो गया है। तो ये ढक्कन के जैसा बर्तन के ऊपर हमने एक प्रकार से ढक्कन रख दिया है। धन्यवाद। खके सर ने अभी जो बताया वो तो बिल्कुल आसान तरीका है, हम सर पहले जो कर रहे थे उससे बिल्कुल अलग और आसान है। ये अलग तरीका तो है ही, लेकिन इससे ज्यादा क्या है कि ये जो तरीका अपनाने से हम बहुत सारा लेबर बचा सकते हैं, पहली बात, क्योंकि हर वक्त जब पौधे लगाने हैं तो लोग जेसीबी लाकर खड़ा करते हैं पहला गड्ढों के लिए, और ये गड्ढे कितने हैं, तो हम यहाँ समझो अभी 650 पेड़ लगाने वाले हैं, तो 650 गड्ढे वो जेसीबी से करने के लिए लगभग 2-3 दिन तो जाएंगे और 2 दिन का पैसा जाएगा। लेकिन इस तरीके से हमने लगाए पौधे तो बहुत बड़ा खर्चा भी बचने वाला है। उसके साथ साथ एडवांटेज और क्या है, ये जो पद्धति है इससे ये जो पौधा लगाया है उसको जो न्यूट्रिशन लगने वाला है वो सारे न्यूट्रिशन की तैयारी अभी से हमने करके रखी है, ताकि अलग से कुछ तो लाकर खाद के स्वरूप में डालना नहीं पड़ेगा। ये जब पड़ेगा तब 2 या 3 महीने के बाद शायद लग सकता है पौधों की कितनी तैयारी हो चुकी है, कितने बड़े हैं वो देखकर हम डाल सकते हैं, लेकिन शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं। और तीसरा एडवांटेज ये है कि पानी अभी जून महीना चालू है, जून महीने में हम लगाने वाले हैं, मार्च तक यानी कितने महीने, 6 और 3 महीने 9 महीने तक पानी देने की ज़रूरत नहीं, तो पानी भी बचने वाला है। दूसरी बात, पानी बहुत कम लगने वाला है, ऑटोमेटिक जो नैसर्गिक रीति से पानी यहाँ आएगा बारिश में और उसके बाद भी जो जमीन में रहेगा उसके ऊपर ही ये पेड़ बढ़ने वाला है, तो कितना कम पानी लगने वाला है सोचो, तो पानी देने का लेबर भी इससे बचने वाला है। क्योंकि बाद में लोग जब दिसंबर चालू होता है तब इमीडिएटली धूप चालू होती है तो लोग लग जाते हैं काम पर और पानी डालने की शुरुआत करते हैं, तो ये भी हमें करने की ज़रूरत नहीं। ये 3-4 एडवांटेजेस हम इस पद्धति से अपना सकेंगे, और ये एडवांटेजेस मिलने के बाद हम खर्चे की टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़ा खर्चा बचने वाला है।